हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज एक फिर नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस में राशि के अनुसार क्या खरीदना चाहिए और शुभ मुहूर्त के बारे में। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी जयंती है। इस दिन धन त्रयोदशी और धनतेरस भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इनका पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन धातु की वस्तुओं की खरीदारी सुख संपन्नता के कारक माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस में खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ गुरुवार 12 नवंबर को रात्रि 9:30 से हो रहा है, जो शुक्रवार 13 नवंबर की संध्या करीब 6 बजे तक रहेगी। इसीलिए 12 नवंबर की रात्रि 9:30 के बाद से धनतेरस को लेकर खरीदारी की जा सकती है। 12 नवंबर को खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि 11:30 से 1:07 और रात्रि 2:45 से अगले दिन सुबह 5:57 तक है। वास्तव में धनतेरस में उदयकालीन तिथि लेना श्रेयस्कर माना जाता है, जो कि शुक्रवार 13 नवंबर को है। 13 नवंबर को खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:59 से 10:06 11:08 से 12:51 और दिवा 3:38 से संध्या 5 तक है। दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस में राशि के अनुसार क्या खरीदना चाहिए। मेष राशि। सोना चांदी की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जमीन जायदाद, वाहन की खरीदारी से बचे। वृषभ। चांदी, हीरा, जमीन जायदाद, फिक्स डिपॉजिट, वाहन आदि। मिथुन। मिथुन राशि, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोना व चांदी। कर्क राशि। सोना चांदी की वस्तु या आभूषण, शेयर मार्केट में निवेश, जमीन जायदाद। सिंह राशि। सोना, तांबा, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार आदि में निवेश, लकड़ी के फर्नीचर। कन्या राशि। सोना व चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जमीन जायदाद। तुला राशि। चांदी, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार से दूर रहें, वाहन की खरीदारी से बचे। वृश्चिक राशि। सोना चांदी, जमीन जायदाद, किसी भी प्रकार का निवेश। धनु राशि। सोना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शेयर बाजार, जमीन जायदाद। मकर राशि। चांदी, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील के फर्नीचर। कुंभ राशि। सोना, फिक्स डिपॉजिट, चांदी, वाहन की खरीदारी से बचे। मीन राशि। हर प्रकार की खरीदारी एवं निवेश श्रेयस्कर रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चल पाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।